Hey guys, welcome back to our YouTube channel. In this video, I am going to tell you how to add custom fonts. सारी बहुत सी requests थी, लेकिन ये request वाली IDs मेरी अपनी हैं. So वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि Instagram पे मुझे follow कर लें, Facebook पे मुझे follow कर लें और subscribe कर दें चैनल को. तो let's jump into the video. इसके लिए आपने सबसे पहले जाना है क्रोम में, क्रोम, गूगल क्रोम, जो भी आपका ब्राउजर होगा उसमें जाके आपने लिखना है DA fonts. तो इसका पहले ही आएगा ये, आपने सर्च क्लिक कर लेना है. और आपको अगर गेमिंग के लिए चाहिए तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा टेक्नो का, इसको आप अगर डेस्कटॉप साइट पर नहीं करेंगे तो आपका ऐसा नहीं शो होगा. इस पर जाके आपने स्काईफाई में करना है तो आपको कुछ धमाकेदार फॉन्ट्स मिलेंगे. इसमें से जो सा आपको अच्छा लगता है उसको साइट पर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वैसे डाउनलोड कर लें. मैं बताता हूँ कैसे करना है डाउनलोड. जैसे कि अब मुझे अच्छा लगा है ये ट्रांसफॉर्मर वाला, यहाँ पे अभी तो था यहाँ पे ही ये ट्रांसफार्मर वाला जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसको मैं कर लूँगा डाउनलोड. डाउनलोड कैसे करना है ये मैं अब आपको ज़रा स्क्रीन पर टिक करके दिखा दूँ. हो जा, हाँ स्क्रीन पर ही होगी. यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, हर एक के साथ आता है. तो आप डाउनलोड करके आपने क्या करना है, डाउनलोड हो जाएगा. आपने जाना है फाइल मैनेजर में. फाइल मैनेजर में जाके यहाँ पर ये आपकी रेटिंग पूछेगा, इसको छोड़ें. यहाँ पर आपका ये आ जाएगा ट्रांसफॉर्मर मूवी ZIP ZIP. तो यहाँ पे ना उस पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल टू पे करना है. तो आपको यहाँ पर ज़्यादा सारे फोल्डर मिलेंगे, जो से फोल्डर में आपने अपना कस्टम फॉन्ट ऐड करना है वो कर लें. जैसे मैंने अब करना है पिक्सल लैब में, एडिटर में, तो वहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट कर दूँगा. अगर ये आपको थोड़ा समय नहीं लगी, जल्दी जल्दी में हो गया है, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ. ज़रा मैं बैक कर लूँ एक बार, फिर बताता हूँ. दो मिनट यार, सब पहले मैं आपको बताता हूँ कहाँ गया. ये फाइल मैनेजर में आपने कहाँ जाना है, ट्रांसफॉर्मर वाले में क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स टू पे क्लिक करना है यहाँ पर. और जहाँ पर आपने जो से एडिटर में एडिट करना है वहाँ पे ये पिक्सल लैब में मैंने वॉइस ओवर कट हो गया था, तो पिक्सल लैब में करना है. तो पिक्सल लैब पे आपने क्लिक करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देना है नीचे से. मेरा एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ है तो मैं अब नहीं करूँगा. चलते हैं पिक्सल लैब की तरफ. पिक्सल लैब में आके आपने जाना है, ये जो न्यू टेक्स्ट का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने जाना है एडिट में. एडिट में जाके अपना चैनल का जो भी नेम है वो लिखे. मैं यहाँ लिख रहा हूँ योर नेम. तो योर नेम लिख दिया है मैंने, कैपिटल लेटर्स में लिखना है आपने. और जाना है यहाँ पर AB फॉन्ट्स है ये एक, इस पर जाके यहाँ पर माई फॉन्ट्स पर ये एरो जो आ रहा है इस पर क्लिक करें. ये जहाँ पर जो फोल्डर का ऑप्शन था वहाँ पर जाके यहाँ पे आपको मिलेगा पिक्सल लैब का ऑप्शन. मैं ढूंढ लेता हूँ, ज़रा मुश्किल से ही मिलता होता है, तो मैं ढूंढ लेता हूँ पिक्सल लैब का ऑप्शन मिल जाए. पिक्सल यार, एक तो रोज़ा रखा है, बोला भी नहीं जा रहा और ऊपर से मिल भी नहीं रहा. हाँ ये पिक्सल लैब मिल गया. यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्मर मूवीज, इस पर TTF वाले पर जाकर आपने एड सेलेक्टेड कर देना है. यहाँ पर आपको सेलेक्ट हो जाएगा, आपने फिर उसको क्लिक कर लेना है. और ये देखें हमारा जो कस्टम फॉन्ट है वो ऐड हो चुका है. अब आपने एडिट कैसे करना है, टेक्स्ट जाना है स्ट्रोक्स में, स्ट्रोक वाले ऑप्शन में ब्लैक रखनी है अपनी स्ट्रोक. और जो इनर शेडो है आप वैसे पहले आउटर शेडो रख लें एक सियान कलर में आपने रख लिया आउटर शेडो. फिर अब आपने इनर शेडो रखनी है, वो भी आप वाइट रख सकते हैं या सियान ही रख लें, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो आप रख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से तो आउटर शेडो मैंने वो कर दिया, आउटर ग्लो बंद. तो यहाँ पर हो गया, आपने ट्रांसपेरेंट करके PNG ले जाना है पिक्सआर्ट में, सेव करके वहाँ से पिक्सआर्ट में आपने एक बैकग्राउंड मिलेगा आपको ब्लैक कलर का, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो वहाँ से आपने ऐड कर लेना है ये ब्लैक बैकग्राउंड. और जो आपका योर नेम जो नेम का होगा PNG, उसके हाफ एरिया पे ना ये ब्लैक आपने करके इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर लेनी है. अब मैं हाफ एरिया पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ. तो यहाँ से इसको फिर आपने इरेज वाले ऑप्शन पर जाके ये जो साइड पे है ना ये इरेज कर दें, ताकि ये जो लाइन नज़र आ रही है ना ये नज़र ना आए. इसको इरेज करके आपने अच्छे तरीके से इसको कर दें बीच में से भी, ताकि ये रियलिस्टिक लगे, ऐसे ना लगे कि ये एडिटेड है. ये एडिटेड तो है लेकिन ऐसे ना लगे कि काम नहीं किया हुआ सही. यहाँ से देखें ये जो अब नज़र आ रहा है इसको मैं कर रहा हूँ, तो कितना आला किस्म का लगेगा आपका ये जो वो है. तो
यहाँ पे आपने करके इसको कर लेना है सेव। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, कमेंट योर फेवरेट पार्ट, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन फेसबुक, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। सो अल्लाह हाफिज, थैंक फॉर वॉचिंग।